निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कसरावत जनपद की 82 पंचायतों में दिनांक 8 तारीख को निर्वाचन संपन्न कराया था, जिसके मतों की गणना पंचायत स्तर पर ही की गई थी, जिसके सारणीकरण का कार्य आज कसरावत के शासकीय महाविद्यालय में किया गया, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी कसरावत तहसील द्वारा पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य के मतों को मिलान कर विजेता उम्मीदवार की घोषणा की गई। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। 82 पंचायतों में निर्वाचन हुआ था और सभी पंच का जो निर्वाचन हुआ था, 25 जनपद सदस्य के वार्ड हैं, इन सबों का जो मतदान केंद्रवार उस दिन पीठासीन अधिकारियों ने जो मतगणना पत्रक दिए थे उनको एग्जाई किया जाकर आज सारणीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आज रिटर्निंग अधिकारी पंचायत तहसीलदार महोदय द्वारा पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के मतों का सारणीकरण करा जाकर जो एक विजेता उम्मीदवार की घोषणा करी जा रही है। जिला पंचायत सदस्य के जो उम्मीदवार हैं उनका भी सारणीकरण आज किया जा रहा है। चूँकि जिला पंचायत सदस्य के रिटर्निंग अधिकारी कलेक्टर महोदय हैं, इसलिए उनके माध्यम से इसके विजेता को प्रमाण पत्र कल दिए जाएंगे। इसके लिए अभी बैठक का आयोजन होना होगा, आयोग के निर्देशानुसार आगे चिट्ठी आएगी, उसके अनुसार निर्वाचन के उपरांत जब ग्राम सभा आयोजित होगी तब से लेकर आगे तक विधिवत एक सरपंच अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। हमारे साथ है नव निर्वाचित सरपंच शालू, जो कि 8वीं तक पढ़ी है और शायद इस जनपद क्षेत्र के सबसे कम उम्र के निर्वाचित प्रत्याशी है। आपकी उम्र 21 साल और कुछ है, 22 साल के लगभग आपकी उम्र है और आपने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी लिया, तो क्या सपना है आपका, अपने गाँव को क्या प्रोग्रेस देना चाहते हैं? हम हमारे गाँव के लिए बहुत, मतलब हमारे गांव को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम बंजारा समाज से, हम ओजरा ग्राम से सरपंच है, ये हमारे पापा हैं। हमारे पापा ने हमें इस चुनाव में खड़ा किया, हमारे पापा को हम बहुत मतलब धन्यवाद देते हैं। और हम हमारे गांव मतलब बंजारा समाज को, हम हमारे जैसे बंजारा गांव में, हमारे ओजरा टांडा में ऐसी बहुत सारी समस्या है कि वो अभी पूरी नहीं हुई है, तो हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो हम हमारे गांव में कच्ची नालियों का पक्का बनाएंगे और हमारे गांव में बीपीएल कोपन जिसकी नहीं है उसको बना कर देंगे और हमारे गांव में जिसकी झोपड़ियां हैं उसको पक्का मकान बना कर देंगे हमारे पापा। बहुत अच्छा, आपके इतने युवा लोग हैं और सपने हैं उनके कि हमारे गांव को समृद्ध बनाएंगे, सुखी समृद्ध बनाएंगे और जो बंजारा समाज जो काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है उससे जो जीत के आए हैं और उस समाज को आगे लाना चाहते हैं और अपने लोगों को, उनके पापा भी हम साथ में हैं जिन्होंने उनको चुनाव में जिताया। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना है कि हमारे ग्राम ओजरा पंचायत में 855 मतदाता बंजारा समाज के हैं। हमारे बुजुर्ग कहीं दिन से इंतजार कर रहे थे कि सरपंच हमारे गांव का बने, अगर मौका मिला नहीं, आज पहली बार मौका मिला है। तो मैं सभी धर्म प्रेमी मतदातागण से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, उनके जो भी काम रुका है, जो पीएम आवास से वंचित है उनको पीएम आवास का लाभ दिलाएंगे और गांव में सीसी रोड का निर्माण करवाएंगे और वृद्धा पेंशन का लाभ दिलाएंगे और जो भी सरकारी योजना है उसका पूरी योजनाओं का लाभ गाँव वालों को दिलाएंगे और खेत के जो कच्चे सड़क हैं उनको अच्छी तरह से मरम्मत करवा के पक्की बनाने की कोशिश करेंगे और जो भी सरकारी योजना है उस योजना का पूरा लाभ पूरे ग्रामवासियों को दिलाएंगे और उनकी मदद करते रहेंगे। हमारा भी एक बार फिर से हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि इतनी कम उम्र में सरपंच बन करके और जनता की सेवा करने के लिए आप मैदान में आई और आपके पापा ने भी बताया कि हम पूरे क्षेत्र में जितनी भी सरकारी योजना है उनका लाभ दिलाएंगे। तो कैमरामैन जाहिद अजमेरी के साथ आकिल खान, SW न्यूज, कसरावत। इस वक्त हम खड़े हैं शासकीय महाविद्यालय कसरावद में, जहां पिछले दिनों त्रिस्तरीय जो चुनाव हुए थे उसमें पंच सरपंच के अलावा जनपद में प्रतिनिधियों का भी जनता को फैसला करना था, अपने जो प्रतिनिधि चुनने का काम था वो भी जनता को करना था। इसके सारे नतीजे आ चुके, वैसे तो बहुत सारे नतीजे जो हैं वो वहीं पता चल जाते हैं क्योंकि जितने जो लोग भी वहाँ बैठते हैं उनको काफ़ी कुछ एहसास हो जाता है कि कौन जनपद के लिए कौन से प्रतिनिधि आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का
उत्साह बना हुआ है। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से लोग अपने अपने उम्मीदवारों के आधिकारिक जो जीत की घोषणा होगी उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से लोग पहुंचे हुए हैं, और लगभग अभी आधिकारिक ने बताया कि 2 बजे तक हम पूरी आधिकारिक रूप से घोषणा कर पाएंगे कि कौन प्रतिनिधि बना है। वैसे पंच और सरपंच की तो घोषणा वहीं हो चुकी थी, उनकी गिनती वहीं हो गई थी। इस बार बैलेट पेपर से मतदान हुआ था इसलिए वहाँ गिनती वहीं पर की गई थी। अब जनपद प्रतिनिधियों के लिए जो है देखना, वैसे जनपद प्रतिनिधि भी काफ़ी कुछ पता चल चुका था कि कहाँ से कौन जनपद प्रतिनिधि बन रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी संयस बना था, कुछ विवाद था, कुछ विरोध था, कुछ मतों को लेकर जो है वो असमंजस सा बना था। वो अब सब कुछ क्लियर हो पाएगा। जिस जगह हम खड़े हैं शासकीय महाविद्यालय, यहाँ पर लिखी हुई एक पंक्ति देखी कि जिज्ञासा बुद्धि का स्थायी गुण है, तो सारे लोगों के अंदर जो जिज्ञासा दिखाई दे रही है उसका कुछ ही पलों में जो फैसला होने वाला है। कैमरामैन जाहिद अजमेरी के साथ आकिल खान, SW News, कसरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW 24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।